नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएल की टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे यूपीएल का चार्ट स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है और इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है। तो दोस्तों यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है वो दबा दीजिए ताकि टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों कल या परसों इसने बोनस दिया था 1:2 का और उसके बाद इसने आज जो तेज़ी दिखाई है करीबन 8-10% करीबन 8-9% ऊपर आ गया। तो फाइनली इसने क्लोजिंग दी है 7.14 यानी कि 7.5% के आसपास। उससे बड़ी बात मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए एक साल का लो 6 महीने का 3 महीने का 1 महीने का 5 दिन 1 दिन सारे लो इसने आज ही बना दिए हैं और एक दिन में जो तेज़ी दिखाई है करीबन 7.14% तेज़ी दिखाई है और एक साल में 38% का रिटर्न दिया है इसने। ठीक है दोस्तों, और एक ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनी है। अब अभी जैसे ही मानसून अच्छा चल रहा है तो ये पानी सभी और गिर रहा है तो पेस्टिसाइड और केमिकल या खरपतवार नाशी जो भी बिकते हैं वो ये कंपनी बनाती है और उसी से इसकी सेल्स ग्रोथ या इसको फ़ायदा होता है। जैसे कि बरसात अच्छी हुई, सारी चीज़ें अच्छा चल रहा है, पूर्वानुमान के हिसाब से चल रहा है तो इसकी सेल्स बढ़ेगी और इसी रुझान के चलते अब इसमें खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है। तो यदि दोस्तों ये 690 जैसे कि मान लीजिए इसने 2 बार हाई बनाया है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो हाई इसने बनाया है, यहाँ पर हाई बनाया है और ठीक आज उसी हाई पे इसने क्लोज किया है, थोड़ा सा उसके ऊपर क्लोज किया है। तो यदि दोस्तों ये कल एक दो दिन इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो हमें वापस करीब 100-120 पॉइंट की मूवमेंट हमें और ऊपर मिल जाएगी, यानी कि 800-820 तक के टारगेट हमें आने वाले कुछ दिनों में मिल सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो में दी जा रही जानकारी अच्छी लगती है, आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।